वेलकम बैक एवरीवन। और आज के वीडियो का टाइटल है कंपैरिजन। हम हमारी पूरी लाइफ खुद को दूसरों से कंपेयर करने में ही निकाल देते हैं। ये बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में और दुनिया के सभी लोगों में, क्योंकि एक नेचुरल बिहेवियर है कि इंसान खुद को दूसरों से हमेशा कंपेयर करता है। ज़्यादातर वो अपने आसपास के लोगों से, यानी कि उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, उन सबसे, और उसके कल्चर में या समाज के जो लोग हैं उससे उसको वो कंपेयर करता है। और ये चीज़ आजकल और ज़्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया की वजह से। लोग देखते हैं उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो इतना कमा रहा है, वो लड़की इतनी सुंदर दिखती है, तो ये सारे कंपेरिजन्स आजकल काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो कंपेरिजन नहीं करना है, कहना बहुत ही ईजी है पर हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्यों नहीं करना है? क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद को कोई सेलिब्रिटी या एक्टर से कंपेयर करूंगा तो मुझे बुरा लगेगा, और यदि कोई फिजिकली इम्पेयर्ड इंसान से मैं खुद को कंपेयर करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये है नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। तो हमें समझना है कि सबकी सिचुएशन अलग है। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो हर इंसान की लाइफ को शेप करते हैं, जैसे कि उसका बैकग्राउंड, उसका एजुकेशन, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसका क्लास, उसका रिलीजन, ये सारी चीज़ें, प्लस उसके खुद के पर्सनल डिसीजंस, ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तब जाके एक इंसान का सक्सेस या फेलियर प्रोड्यूस होता है। और फिर वो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, मैं आज भी मेरी लाइफ में यही स्टक हूँ। पर यही तो मिस्टेक है कि हम खुद को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। मैं बहुत लड़कियों को ये देखता हूँ कि वो इनसिक्योर फील करती है, और काफ़ी लड़कों को मैं देखता हूँ जो फाइनेंशियली इतना अच्छा अभी नहीं कर पा रहे हैं कि वो दूसरों के फाइनेंसेस, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास गाड़ी, बंगला वगैरह वगैरह ये सब है, उनके पास जो रिसोर्स था वो शायद आपके पास नहीं है, और आपके पास जो रिसोर्स है वो शायद किसी और के पास नहीं है। तो समझने की बात ये है कि आपका कंपैरिजन करे तो किससे करे? तो आपका कंपैरिजन सिर्फ एक ही इंसान से होना चाहिए, और वो है आप खुद। कल आप क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हो, 10 साल बाद क्या करोगे, और लाइफ क्या है कि देखिए, अगर आप दुनिया के 10th richest आदमी भी बन जाएंगे तो भी आपको एक रिग्रेट रहेगा कि मेरे ऊपर 9 लोग और हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये रेस, रेट रेस जो कहा जाता है, उसमें पार्ट लीजिए, अपना बेस्ट करिए, पर उसी को अपनी ज़िंदगी ना बनाएं। और जब आप रोड पे जा रहे हैं तो आपके पास बाइक है और आप पास में गाड़ी वाले को देखते हैं और सोचते हैं कि काश एक दिन मेरे पास कार हो, वो उसके पास वाले को देखता है कि काश मेरी कार इसके जितनी बड़ी कार हो, पर मैं चाहता हूं कि आप इस तरफ भी देखें जहां एक साइकिल पे या पैदल चलने वाले लोग हैं, या कुछ लोगों के पास पैर भी नहीं है तो व्हील चेयर पे जाते हुए लोग भी है इस दुनिया में। इसीलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ, डोंट स्ट्रेस आउट एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। बाय।